हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बायो स्कैनर। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। ये तो आप जानते हैं कि हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं और बैक्टीरिया का हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ही कॉन्जुगेशन पढ़ा था। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है और कौन कौन से वो एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनके बेसिस पर हम ये प्रूव कर पाए कि बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, आइए पढ़ते हैं। ओके चिल्ड्रेन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। अभी तक हम बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में ये पढ़ चुके हैं कि बैक्टीरिया दो तरह से रिप्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअली और सेक्सुअली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने बाइनरी फिशन और स्पोरुलेशन को पढ़ लिया है और हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने एक मेथड पढ़ा था जो था कॉन्जुगेशन, और कॉन्जुगेशन में हमने ये पढ़ लिया था कि कॉन्जुगेशन एक ऐसा मेथड होता है जिसमें एक बैक्टीरिया की सेल अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर देती है दूसरे बैक्टीरिया की सेल को, और ये इस प्रोसेस में हेल्प करता है प्लाज्मिड, यानी कि बैक्टीरिया की सेल दूसरे बैक्टीरिया की सेल में अपना जो जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए है वो ट्रांसफर करने के लिए प्लाज्मिड की हेल्प लेती है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है कॉन्जुगेशन का। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि सेकंड मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बैक्टीरिया के अंदर। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदल जाना, यानी कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म ले लेना। आपने कैप्टन अमेरिका मूवी देखी होगी, वहां पर ये हीरो होता है जिसका नाम स्टीव होता है। ये अमेरिकन आर्मी में भर्ती होने के लिए बहुत ही कोशिशें करता है, लेकिन इसकी जो बॉडी का साइज होता है वो अनफिट होता है और ये आर्मी में भर्ती नहीं हो पाता है। अब इसके बाद में इसको किसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बना दिया जाता है और इस एक्सपेरिमेंट के लिए इसको एक मशीन में डाल दिया जाता है। इस मशीन में क्या होता है, इसको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है और ये बन जाता है कैप्टन अमेरिका, यानी इसकी बॉडी में पूरी तरह से जबरदस्त चेंजेस आ जाते हैं। तो इस तरह से बॉडी में एक तरह से चेंज आ जाना ही ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। एक इस तरह का चेंज आ जाए कि जो बिल्कुल रिमार्केबल हो, जो सोचा भी ना हो किसी ने, इस तरह का कोई परिवर्तन आ जाए बॉडी के शेप साइज में, इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन जो वर्कआउट करते हैं वो भी करते हैं, बहुत ही फैटी होते हैं, 100 किलो का वजन उनका होता है और वो 60 kg पर अपने आप को ले आते हैं, इसको भी हम ट्रांसफॉर्मेशन ही कहते हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है उसको हम यहाँ पर रिलेट करेंगे बैक्टीरिया से। अब बैक्टीरिया भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है, यानी कि उसकी जो फॉर्म है वो पूरी तरह से बदल जा रही है। एक वीक सा दिखने वाला बैक्टीरिया, कमजोर सा लगने वाला बैक्टीरिया बहुत ही ताकतवर बन जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस की वजह से। तो ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमें ये समझना है यहाँ पर कि बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होता है और किस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया में बोलेंगे। तो बैक्टीरिया के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसकी जो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो उसके अंदर ये बताया जाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन इज द अपटेक ऑफ डीएनए बाय ए बैक्टीरियल सेल फ्रॉम द सराउंडिंग्स। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में जो बैक्टीरिया होता है वो डीएनए को अपटेक करता है। कहाँ से अपटेक करता है, सराउंडिंग से अपटेक करता है। अभी तक पढ़ा था कॉन्जुगेशन में आपने कि बैक्टीरिया जो है डीएनए को अपटेक करता है दूसरे बैक्टीरिया से और प्लाज्मिड उसमें हेल्प करता है। कई बार प्लाज्मिड खुद को दूसरे बैक्टीरिया में भेज देता है और कई बार प्लाज्मिड जो होता है वो क्रोमोसोमल डीएनए को भी ट्रांसफर करता है। लेकिन यहाँ पर जो डीएनए होता है वो सराउंडिंग मीडियम से ऑब्टेन किया जा रहा है। तो ये एबिलिटी होती है बैक्टीरिया की सेल के अंदर कि वो जिस मीडियम में उसको रखा जा रहा है, अगर उस मीडियम से उसको डीएनए दे दिया जा रहा है या डीएनए का स्ट्रैंड उसमें डाल दिया जाए तो बैक्टीरिया की सेल बाहर से आने वाले डीएनए को, सराउंडिंग मीडियम से आने वाले डीएनए को अपने अंदर एक्वायर कर लेती है। इस एबिलिटी को जिसके अंदर एक बैक्टीरिया की सेल डीएनए को पिकअप कर लेती है किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम उसको डाल दें, इस एबिलिटी को हम कहते हैं कॉम्पिटेंस। और जो बैक्टीरिया की सेल ये एबिलिटी रखती है उस सेल को हम कहते हैं कॉम्पिटेंट सेल। जो कॉम्पिटेंट सेल होती है वो फॉरेन डीएनए को अपने अंदर ले लेती है और उसके बाद में वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसी वीडियो लेक्चर में थोड़ी देर बाद आप समझेंगे कि बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है। अब यहां पर आपने देखा कि एक कॉम्पिटेंट सेल है, यानी एक नॉर्मल बैक्टीरिया की सेल है, उसने डीएनए बाहर के एनवायरनमेंट से एक्वायर कर लिया है, ऐसी सेल को हमने कहा है कॉम्पिटेंट सेल। अब ये जो कॉम्पिटेंट सेल है इसके अंदर ये एबिलिटी है कि ये अपना जो जेनेटिक मटेरियल है ये आगे की प्रोजेनी में भी ट्रांसफर कर सके, यानी कि एक सेल कॉम्पिटेंट है, उसका डीएनए ट्रांसफॉर्म हो गया और ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद में भी उसने अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसको रेप्लीकेट किया और अपने जैसी दूसरी सेल्स को उसने फिर से वो ट्रांसफर कर दिया। तो इस तरह से जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्म हो गया है बैक्टीरिया की सेल का,
वो दूसरी बैक्टीरियल सेल में भी पहुंच जाता है। इसी वजह से हम इस प्रोसेस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड भी बोलते हैं। अब ये जो डीएनए एक्वायर कर रही है कोई भी सेल, ये जो डीएनए होता है ये प्लाज्मिड भी हो सकता है या फिर डीएनए का कोई लीनियर फ्रेगमेंट भी हो सकता है। अब यहां पर आप समझिए, यहां पर आपके सामने दो इमेजेस बनी हुई हैं, एक इमेज ए और दूसरी इमेज बी। यहां पर एक बैक्टीरिया की सेल है और उसके पास अपना एक क्रोमोजोम है, ये वाला ये एक बैक्टीरियल क्रोमोजोम है। आप समझिए, हमने इस बैक्टीरिया की सेल को एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया, ये एक टेस्ट ट्यूब हमने ली और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने इस बैक्टीरिया की सेल को यहां पर डाल दिया। यहां पर एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें बैक्टीरिया की सेल बड़े आराम से सर्वाइव कर सके। अब उस सॉल्यूशन के अंदर हमने यहां पर से कुछ डीएनए के स्ट्रैंड्स डाल दिए हैं, डीएनए के कुछ फ्रेगमेंट्स हमने डाल दिए हैं। ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स होते हैं ये बैक्टीरिया की सेल के अंदर पहुंच जाते हैं और ये जो सेल है इस डीएनए को अपटेक कर लेती है। अब अपटेक करने के बाद में क्या होता है, या तो ये जो डीएनए है बैक्टीरिया के क्रोमोजोम के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, यहां पर ये जो डीएनए है बाहर से जो है ये इंटीग्रेट हो गया, या फिर ये यहां पर जाकर के डिसइंटीग्रेट हो जाता है या डिग्रेड हो जाता है, यानी कि ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो दो पॉसिबिलिटी यहां पर है। अगर ये जो बाहर से हमने डीएनए इसके अंदर ट्रांसफर किया था ये इंटीग्रेट हो जाता है तो हम बोल देते हैं कि हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है वो सक्सेसफुल रहा है। तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होता है। जो एग्जाम्पल ए है, यानी कि जो ए वाली इमेज है, हमने यहाँ पर डीएनए के फ्रेगमेंट्स को ट्रांसफर किया है। जो इमेज बी है ये वाली, इसके अंदर हम एक प्लाज्मिड को ही ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कि हम इसी एक्सपेरिमेंट को सेम इसी तरह से कंडक्ट करेंगे। हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसके अंदर हम एक सॉल्यूशन डाल देंगे और उसके अंदर हम एक बैक्टीरियल सेल को रख देंगे। अब उसके बाद में इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ही हम बाहर से एक प्लाज्मिड को इंसर्ट करेंगे और ये जो प्लाज्मिड है बैक्टीरिया की सेल इसको बड़ी आसानी से अपटेक कर लेती है और ये जो प्लाज्मिड है अब ये इस बैक्टीरिया की सेल का एक पार्ट बन जाता है। इस प्रोसेस को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में और कॉन्जुगेशन में डिफरेंस आप समझ गए होंगे। कॉन्जुगेशन में और ट्रांसफॉर्मेशन में डिफरेंस ये होता है कि कॉन्जुगेशन का प्रोसेस जब चल रहा होता है एक बैक्टीरिया की सेल दूसरी बैक्टीरिया की सेल के संपर्क में आती है और पाइलस की हेल्प से जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हो रहा है वो बाहर से किसी मीडियम से हो रहा है, यहाँ पर कोई दूसरी बैक्टीरिया की सेल के थ्रू ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो ये हो गया बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस। अब बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होता है और ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है जिस सब्सटेंस का होता है वो एजेंट डीएनए ही होता है, ये प्रूव करने के लिए दो एक्सपेरिमेंट्स किए गए। सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट किया वो किया ग्रिफिथ ने और दूसरा जो एक्सपेरिमेंट किया वो किया एवरी ने। पहला एक्सपेरिमेंट होता है इसको हम बोलते हैं ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट और जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है उसको हम बोलते हैं एवरीज एक्सपेरिमेंट। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन को प्रूव किया। ये बात इन्होंने बताई अपने एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से कि डीएनए एक ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट है और एक बैक्टीरिया के सेल के अंदर अगर हम डीएनए को बाहर से डाल दें तो उसको अपटेक कर लेती है और वो जो अपटेक होता है सब्सटेंस वो डीएनए ही होता है। इन बातों को इन दो एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से प्रूव किया गया। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ या F.E. ग्रिफिथ एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1928 में एक एक्सपेरिमेंट किया। अपने इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से उन्होंने ये प्रूव किया कि जो डीएनए होता है वो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट होता है और इसकी हेल्प से एक बैक्टीरिया की सेल को ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। अपना जो एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ ने किया वो इन्होंने किया एक बैक्टीरिया के ऊपर और जो बैक्टीरिया उन्होंने यूज किया उसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ये जो बैक्टीरिया होता है ये निमोनिया करता है और इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से एक इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है और इस बैक्टीरिया की खासियत ये है कि सभी के सभी मैमल्स के अंदर ये निमोनिया क्रिएट कर सकता है। तो इन्होंने इस बैक्टीरिया को लेकर के अपना एक्सपेरिमेंट किया। जब ये अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि ये जो बैक्टीरिया होता है इसके दो टाइप्स होते हैं, एक टाइप का बैक्टीरिया डिजीज कर सकता है और दूसरे टाइप का बैक्टीरिया डिजीज नहीं कर सकता है। जो बैक्टीरिया डिजीज करता है उसको इन्होंने कहा वायरुलेंट और जो बैक्टीरिया डिजीज नहीं कर सकता है उसको कहा गया एवायरुलेंट। वायरुलेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा बैक्टीरिया का स्ट्रेन जो हमारे अंदर जाएगा तो हमारे अंदर 100% बीमारी हो ही जाएगी। अब ये जो दो स्ट्रेंथ थे ये एक दूसरे से थोड़े थोड़े से डिफरेंट थे। अब वो डिफरेंट किस वजह से थे हम ये समझते हैं। जो स्ट्रेन वायरुलेंट था यानी कि डिजीज करता था उस स्ट्रेन को कहा गया एस स्ट्रेन। यहाँ पर एस स्ट्रेन ये जो कहा गया है यहाँ पर एस का मतलब है स्मूथ। स्मूथ से यहाँ पर मतलब ये है कि जब इस बैक्टीरिया को एक कल्चर मीडियम में ग्रो किया जाता है तो इसकी जो कॉलोनीज है
वो बहुत ही स्मूथ और चमचमाती चमकदार सी दिखाई देती है। अब इसी वजह से इसको स्मूथ स्ट्रेन कहा जाता है। लेकिन ये दिखने में स्मूथ है लेकिन बीमारी ये करता है, यानी घाव ये गंभीर करता है। दिखने में ये भले ही स्मूथ हो, अब ये स्मूथ क्यों दिखाई देता है? स्मूथ ये दिखाई देता है अपने ऊपर एक पॉलीसेकेराइड का कैप्सूल होने की वजह से। जब हम बैक्टीरियल की सेल एनवेलप वाला लेक्चर पढ़ रहे थे, वहां पर हमने पढ़ा था कि कुछ बैक्टीरिया के अंदर सेल एनवेलप में बाहर की तरफ एक कैप्सूल होता है, और जो कैप्सूल होता है उसकी हेल्प से बैक्टीरिया अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। अब क्योंकि इस बैक्टीरिया के पास कैप्सूल है तो ये हमारी इम्यून सेल से बच जाता है और ये हमारे अंदर डिजीज करने में सक्सेसफुल होता है। तो एफ ग्रिफिथ ने ये देखा कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का जो स्ट्रेन है स्मूथ स्ट्रेन, ये स्मूथ इस वजह से दिखाई दे रहा है, यानी इसकी कॉलोनीज चमचमाती हुई इस वजह से दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इसके पास आउटर लेयर जो है वो कैप्सूल की है पॉलीसेकेराइड्स का बना हुआ, और इस वजह से ये हमें चमचमाता दिखाई देता है और यही हमारे अंदर डिजीज करता है या यही एक वायरुलेंट स्ट्रेन है। इसके अलावा इन्होंने इसी बैक्टीरिया का एक दूसरा स्ट्रेन भी देखा जिसको उन्होंने कहा आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन में यहाँ पर आर का मतलब है रफ। ये जो कॉलोनीज होती हैं आर स्ट्रेन बैक्टीरिया की, ये रफ दिखाई देती है क्योंकि इनके पास कोई कैप्सूल जैसी स्ट्रक्चर नहीं होती है। अब आप इस इमेज में देखें, यहाँ पर आपको बैक्टीरिया की दो कॉलोनीज दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर ये है कॉलोनी ए और ये है दूसरी कॉलोनी, कॉलोनी बी। यहाँ पर कल्चरल मीडियम में हमने बहुत सारे बैक्टीरिया को ग्रो किया है। ये जो बैक्टीरिया हैं ये दोनों के दोनों स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के ही स्ट्रेन्स हैं। जो ए कॉलोनी है ये आपको रफ दिखाई दे रही होगी और जो कॉलोनी बी है ये आपको स्मूथ दिखाई दे रही होगी। जो कॉलोनी बी है इसके अंदर जो बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है ये है एस स्ट्रेन, और जो कॉलोनी ए है इसके अंदर जो बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है ये है आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन का मतलब ये रफ स्ट्रेन है, ये बीमारी नहीं करेगा, और एस स्ट्रेन का मतलब है ये स्मूथ स्ट्रेन है और ये बीमारी करेगा। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। आगे का एक्सपेरिमेंट आपको तभी समझ में आएगा जब इन दो बातों को आप अच्छे से समझ लेंगे कि वायरुलेंट स्ट्रेन जो है बैक्टीरिया का वो एस स्ट्रेन है क्योंकि उसकी कॉलोनी स्मूथ है, उसके पास कैप्सूल है और वो बीमारियां कर सकता है। जो ए वायरुलेंट स्ट्रेन है इसी बैक्टीरिया का वो है आर स्ट्रेन, यानी रफ स्ट्रेन। इसकी जो कॉलोनीज है वो रफ दिखाई देती हैं और ये बीमारी क्रिएट नहीं कर सकता है। तो ये चीज हमने समझ ली। आगे का जो एक्सपेरिमेंट हम कंडक्ट करेंगे, जो कि कंडक्ट किया था ग्रिफिथ ने, हम सिर्फ उसको समझने जा रहे हैं। तो वहां पर हम आप देखेंगे, वहां पर उस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो स्मूथ स्ट्रेन है उसको हम रेड कलर से इंडिकेट करेंगे, रेड कलर मींस खतरा, और जो रफ स्ट्रेन है उसको हम ब्लू कलर से इंडिकेट करेंगे। ब्लू कलर का मतलब यानी कि ये डिजीज क्रिएट नहीं करता है। चलिए अब देखते हैं कि ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट कैसे किया। ग्रिफिथ ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया वो उन्होंने किया चूहों के ऊपर। उन्होंने बहुत सारे चूहे लिए और उनके ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट करना उन्होंने शुरू किया। अब उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने कई स्टेप्स में किया, एक एक स्टेप को हम पढ़ेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो जो पहला स्टेप था उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एस स्ट्रेन लिया बैक्टीरिया का और एस स्ट्रेन को एक चूहे के अंदर इंजेक्ट किया। एस स्ट्रेन जो होता है ये वायरुलेंट होता है, इसको हम रेड कलर से इंडिकेट करते हैं। ये स्ट्रेन उन्होंने इस चूहे के अंदर इंजेक्ट कर दिया और उन्होंने देखा कि कुछ दिनों के बाद ये जो चूहा है इसकी डेथ हो गई। अब एस स्ट्रेन है ये डिजीज कोज कर सकता है, इसने इस चूहे को निमोनिया कर दिया और निमोनिया की वजह से ये चूहा मर गया। तो ये उन्होंने पहला स्टेप किया अपने एक्सपेरिमेंट का, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब दूसरे स्टेप में उन्होंने क्या किया, उन्होंने आर स्ट्रेन लिया उसी बैक्टीरिया का, जो बैक्टीरिया हमने पढ़ा है यानी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, उसका इन्होंने आर स्ट्रेन या रफ स्ट्रेन लिया। रफ स्ट्रेन जो होता है नॉन वायरुलेंट होता है। अब इन्होंने दूसरे चूहे के अंदर इसको इंजेक्ट किया। जैसे इन्होंने इंजेक्ट किया तो इंजेक्ट करके इन्होंने पाया कि ये चूहा जिंदा रहा, ये सर्वाइव कर गया बड़े आसानी से। तो इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उन्होंने ये पता लगा लिया कि दो स्ट्रेन है, जो एस स्ट्रेन है वो बीमारी करता है इसकी वजह से चूहे की मौत हो जाएगी, और जो आर स्ट्रेन है वो बीमारी नहीं करता है इसकी वजह से चूहे की मौत नहीं होगी। अब उन्होंने थर्ड स्टेप जो किया वो यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाला है। थर्ड स्टेप में उन्होंने क्या किया, उन्होंने चूहे को इंजेक्ट किया हीट किल्ड एस स्ट्रेन से, यानी कि उन्होंने एक एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया। एक टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पर उन्होंने एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को लिया है। ये जो एस स्ट्रेन है ये डिजीज कोजिंग है। इसके नीचे इन्होंने यहाँ पर एक गैस बर्नर लगा दिया और गैस बर्नर से इसको हीट करना शुरू किया। जैसे इन्होंने इसको हीट करना शुरू किया थोड़ी देर बाद इसके अंदर जो बैक्टीरिया थे वो लगभग मर गए, यानी ना तो पूरी तरह से मरे लेकिन उनकी जो सेल वॉल थी और उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो डिस्ट्रॉय हो गई और वो बैक्टीरिया बिल्कुल बेकार हो गए, किसी काम के वो नहीं रहे। तो इन्होंने इस बैक्टीरिया को कहा हीट किल्ड, यानी ये जो एस स्ट्रेन अब इन्होंने लिया है ये हीट किल्ड है। अब
अपने एक्सपेरिमेंट के थर्ड स्टेप में उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन को लिया, जो बैक्टीरिया बीमारी कर रहा था उसको इन्होंने हीट से मार दिया और उसके बाद में इसको इन्होंने चूहे के अंदर इंजेक्ट किया। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये स्टार मार्क से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन को। जब हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन को एक चूहे के अंदर इंजेक्ट किया गया तो पाया गया कि चूहा सर्वाइव कर गया। चूहा सर्वाइव इसलिए कर गया क्योंकि इसके अंदर जो स्ट्रेन दिया गया था भले ही वो स्मूथ का था लेकिन वो बैक्टीरिया ज़्यादा तेज हीट में रखे गए थे, इस वजह से वो बैक्टीरिया पहले से ही मर चुके थे। इस वजह से चूहा सर्वाइव कर गया। तीसरे स्टेप में चूहे का बाल भी बांकर नहीं हुआ। अब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट का जो फोर्थ स्टेप किया, अब फोर्थ स्टेप में इन्होंने थोड़ी चालबाजी कर दी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक मिक्सचर लिया आर स्ट्रेन का और हीट किल्ड एस स्ट्रेन का। जो आर स्ट्रेन होता है वो बिल्कुल ए वायरुलेंट स्ट्रेन होता है, इसको जैसे इंजेक्ट किया जाएगा इससे चूहों की मौत नहीं होगी, ये बात हमें पहले से ही पता थी। अब दूसरी बात हमें ये पता थी कि जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन होता है इससे भी इंजेक्शन देने से भी चूहे की मौत नहीं हुई थी। तो दोनों के दोनों जो स्ट्रेन है इन दोनों को अगर एक साथ मिला करके इंजेक्ट किया जाएगा तो संभावना यही थी कि चूहे की मौत नहीं होगी। और जब इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया, इन्होंने आर स्ट्रेन जो कि नॉन ए वायरुलेंट है और इन्होंने हीट किल स्ट्रेन, इन दोनों को एक जगह से मिक्स किया और मिक्स करके इन्होंने चूहे को इंजेक्ट कर दिया। फोर्थ स्टेप में आप देख पा रहे हैं रप स्ट्रेन को लिया गया है, हीट किल्ड स्ट्रेन को लिया गया है। रप स्ट्रेन को हम दिखा रहे हैं ब्लू कलर में और हीट किल्ड को हम दिखा रहे हैं यहाँ स्टार की फॉर्म में। जैसे इसको इंजेक्ट किया गया तो यहाँ पर चूहे की मौत हो गई। अब ये चूहे की मौत क्यों हुई, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। हमने तो एक ऐसा स्ट्रेन डाला था जिससे बीमारी नहीं होती है और एक ऐसा स्ट्रेन डाला था जिसके अंदर बीमारी करने वाला बैक्टीरिया पहले ही मर चुका है, फिर इसकी मौत क्यों हुई। अब इसकी मौत होने के पीछे उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन लगाया कि इसकी मौत होने के पीछे कारण ये हो सकता है कि हमारे पास जो आर स्ट्रेन है और जो दूसरा एस स्ट्रेन है, एस स्ट्रेन जो है वो हीट किल्ड है। इससे उन्होंने ये अनुमान लगाया कि जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन है इससे यहाँ पर कोई चीज ट्रांसफर हुई है आर स्ट्रेन के पास, जिसने आर स्ट्रेन को कन्वर्ट कर दिया है एक वायरुलेंट स्ट्रेन में। क्योंकि एस स्ट्रेन पहले वायरुलेंट हुआ करता था लेकिन हमने हीट देकर के उसको मार दिया था, लेकिन जैसे ही उसको आर स्ट्रेन जो कि ऑलरेडी नॉन वायरुलेंट है उसके साथ मिक्स किया गया तो एस स्ट्रेन ने अपने अंदर से कोई चीज ट्रांसफर की, कुछ जादू किया और उस जादू की वजह से आर स्ट्रेन भी वायरुलेंट स्ट्रेन में बदल गया। यानी कि जो आर स्ट्रेन है ये अभी स्टीव था, अब ये कैप्टन अमेरिका में बदल चुका है, इसका पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ये बेसिकली डीएनए की वजह से हुआ है, लेकिन ग्रिफिथ ने ये बात नहीं बताई थी कि यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट है वो डीएनए है, ये बात वो श्योरली नहीं बता पाए थे। लेकिन हाँ, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये बता दिया था कि बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एक नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया वायरुलेंट में चेंज हो सकता है। चेंज कराने के पीछे रिस्पॉन्सिबिल डीएनए है, ये बात प्रूव की एवरी ने अपना एक्सपेरिमेंट किया। एवरी का जो एक्सपेरिमेंट आता है अब हम वो पढ़ेंगे। एवरी ने अपना एक्सपेरिमेंट दो पार्ट्स में किया, दो तरह से उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को पूरा किया और इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर एवरी ने ये प्रूव किया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट है वो डीएनए ही होता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं एवरीज एक्सपेरिमेंट को। एवरी ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया वो क्या, इन्होंने 1944 में एवरीज का जो एक्सपेरिमेंट है वो आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, इसमें एक दो चीज़ें ऐसी आएंगी जो आप कंफ्यूज आपको कर सकती हैं। इसके एक एक स्टेप का आप ध्यान से समझते चलेंगे तो आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। तो एवरी ने जो एक्सपेरिमेंट अपना किया, उन्होंने एस स्ट्रेन जो बैक्टीरिया का एस स्ट्रेन है उसको लिया। एस स्ट्रेन का मतलब ये स्मूथ कॉलोनीज है और ये वायरुलेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो वायरुलेंट स्ट्रेन है बैक्टीरिया का स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिका, इन्होंने वो ले लिया, उसके बाद में उसको सेपरेट कर दिया। अब उसको सेपरेट कैसे किया, उसके उन्होंने तीन हिस्सों में सेपरेट किया, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड डीएनए। हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारी बॉडी में कुछ बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फिर हमारी बॉडी में के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, डीएनए हमारी बॉडी के अंदर होता है, लिपिड्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। तो ये बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स से मिलकर ही हमारी बॉडी बनी होती है। इन्हीं बायोमोलिक्यूल्स को सेपरेट कर दिया एवरी ने और इनमें से तीन इंपॉर्टेंट जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं इनको इन्होंने अलग कर दिया। यानी कि एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का इन्होंने ले लिया और इसमें से इन्होंने
तीन बायोमोलिक्यूल्स अलग अलग कर दिए। तीनों के तीनों जो बायोमोलिक्यूल्स थे उसमें सबसे पहला बायोमोलिक्यूल जो उन्होंने अलग किया वो क्या, कार्बोहाइड्रेट। दूसरा बायोमोलिक्यूल इन्होंने अलग किया प्रोटीन, और तीसरा बायोमोलिक्यूल इन्होंने अलग किया वो था डीएनए। अब इन तीनों बायोमोलिक्यूल्स को एवरी ने ले लिया एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से और आगे की प्रक्रिया शुरू की। अब आगे की प्रक्रिया में उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने आर स्ट्रेन बैक्टीरिया लिया, यानी ये जो बैक्टीरिया होता है ये ए वायरुलेंट होता है। अब इन्होंने तीन बायोमोलिक्यूल्स लिए थे, तो सबसे पहले आर स्ट्रेन के अंदर इन्होंने जो एस स्ट्रेन था, मैं यहां पर एस स्ट्रेन लिख रहा हूं, यहां पर इस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने तीन स्टेप्स में पूरा किया। पहले स्टेप में इन्होंने क्या क्या किया, इन्होंने रफ स्ट्रेन लिया और रफ स्ट्रेन के अंदर एस स्ट्रेन से जो इन्होंने आइसोलेट किया था कार्बोहाइड्रेट उसको डाल दिया। अब ये बात आप समझ लीजिए कि इसके बाद में उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने एक ए वायरुलेंट आर स्ट्रेन लिया, आर स्ट्रेन के अंदर एस स्ट्रेन से लिया गया कार्बोहाइड्रेट जो बायोमोलिक्यूल था वो मिक्स कर दिया। अब इनके मिक्सचर को इन्होंने माउस के अंदर इंजेक्ट किया, ये जो मिक्सचर था ये माउस के अंदर जब इन्होंने इंजेक्ट किया तो इन्होंने ये पाया कि इससे माउस को कोई हार्म नहीं होता है, नो हार्म। अब इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर उन्होंने ये बात प्रूव कर दी कि जो ए वायरुलेंट स्ट्रेन है इसके अंदर एस स्ट्रेन का अगर कार्बोहाइड्रेट जाता है तो ये कोई भी डिजीज क्रिएट नहीं करेगा, यानी कि जो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अब इसी एक्सपेरिमेंट का उन्होंने दूसरा स्टेप किया, पहला स्टेप हो गया, दूसरे स्टेप में इन्होंने क्या किया, इन्होंने रफ स्ट्रेन लिया जो कि डिजीज नहीं करता है, और यहां पर सेम एस स्ट्रेन था इनके पास, एस स्ट्रेन से जो उन्होंने आइसोलेट किए थे प्रोटीन्स उनको यहां पर मिक्स कर दिया, सिर्फ यहां पर प्रोटीन्स को इन्होंने मिक्स किया, और प्रोटीन को मिक्स करके ये इन्होंने पाया कि जब इनके इसके पूरे के पूरे एक मिक्सचर को माउस के अंदर इंजेक्ट किया जाता है तो ये भी कोई हार्म वहां पर नहीं करता है, नो हार्म। इससे ये बात प्रूव हो गई कि जो एस स्ट्रेन है इसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं उसको अगर हम मिक्स कर दें आर स्ट्रेन के अंदर तो प्रोटीन्स भी कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं, इसका मतलब प्रोटीन भी ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट नहीं है। यानी प्रोटीन को अगर हम एस स्ट्रेन के प्रोटीन को मिला दें आर स्ट्रेन में तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी। थर्ड स्टेप क्या उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट का, रफ स्ट्रेन लिया और उन्होंने एस स्ट्रेन का उन्होंने डीएनए जो आइसोलेट किया था वो अब मिक्स कर दिया, यानी कि अब उन्होंने जो मिक्सचर बनाया उस मिक्सचर के अंदर रफ स्ट्रेन जो है बैक्टीरिया का वो है और यहां पर डीएनए है एस स्ट्रेन का, सिर्फ डीएनए इन्होंने मिलाया है और इस मिक्सचर को इन्होंने इंजेक्ट किया माउस के अंदर। अब जैसे इन्होंने इसको माउस के अंदर इंजेक्ट किया तो इन्होंने पाया कि माउस की डेथ हो जाती है। अब इस थर्ड पार्ट से, थर्ड स्टेप से उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि जो डीएनए है वो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट है, डीएनए ही यहां से जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था, डीएनए ही हीट किल्ड स्मूथ कॉलोनीज से रफ कॉलोनीज वाले बैक्टीरिया के अंदर गया था और उसी की वजह से डेथ हुई थी। इसी एक्सपेरिमेंट को हमने समझ लिया है एवरेज एक्सपेरिमेंट में, यहां पर इसी एक्सपेरिमेंट को आप देख सकते हैं, यही टेस्ट ट्यूब के अंदर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। यहां पर मैं इसको आपको समझा देता हूं, यहां पर हमारे पास पे चार टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब ए के अंदर यहां पर आप आर देख रहे होंगे, ये आर स्ट्रेन है, इस आर स्ट्रेन के अंदर इन्होंने कार्बोहाइड्रेट को मिक्स किया, टेस्ट ट्यूब बी के अंदर यहां पर आर स्ट्रेन है इसके अंदर इन्होंने प्रोटीन को मिक्स किया, और टेस्ट ट्यूब जो डी है इसके अंदर यहां पर आर स्ट्रेन है इसके अंदर इन्होंने डीएनए को मिक्स किया। अब इस बैड टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई चेंज नहीं आया, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर भी कोई चेंज नहीं आया, और ये जो वाली टेस्ट ट्यूब थी जिसके अंदर डीएनए को मिक्स किया गया ये टेस्ट ट्यूब बन गई एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गई। अब इस टेस्ट ट्यूब से अगर यहां पर इंजेक्शन भर के माउस को लगा दिया जाए तो माउस की मौत हो जाएगी। तो ये एवरी के एक्सपेरिमेंट का पहला पार्ट था, इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये बड़ी आसानी से प्रूव कर दिया कि डीएनए ही ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट होता है और डीएनए की वजह से एक नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया वायरुलेंट बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो सकता है। एवरी का जो एक्सपेरिमेंट है इसको एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे आपको इसमें कोई भी किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना रहे। एवरी ने जो एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का होता है उससे तीन बायोमोलिक्यूल्स को सेपरेट किया, उन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स को सेपरेट किया, प्रोटीन्स को सेपरेट किया और डीएनए को सेपरेट किया, तीन चीज़ें उन्होंने सेपरेट की। जब उन्होंने तीनों चीज़ों को सेपरेट किया तो उन्होंने रफ स्ट्रेन में इन तीनों चीज़ों को मिला करके देखा, पहले उन्होंने रफ स्ट्रेन में एस स्ट्रेन का कार्बोहाइड्रेट मिक्स किया
और मिक्स करके उन्होंने जो मिक्सचर तैयार किया उसको उन्होंने इंजेक्ट कर दिया माउस के अंदर, और उन्होंने पाया कि इससे कोई हार्म नहीं हुआ। इस बात से ये प्रूव हो गया कि एस स्ट्रेन का जो कार्बोहाइड्रेट है वो ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता है एक ए वायरुलेंट बैक्टीरिया को। दूसरे स्टेप में उन्होंने क्या किया, उन्होंने रफ स्ट्रेन में जो प्रोटीन एस स्ट्रेन का सेपरेट किया था उसको मिक्स किया और इस मिक्सचर को उन्होंने माउस के अंदर इंजेक्ट किया। इंजेक्ट करके उन्होंने पाया कि इससे भी कोई हार्म माउस को नहीं होता है। तो ये बात प्रूव हो गई कि जो प्रोटीन है एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया का वो भी कोई इफेक्ट नहीं करता है, ये आर स्ट्रेन को वायरुलेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकता। थर्ड स्टेप में उन्होंने जो डीएनए लिया था एस स्ट्रेन से वो ट्रांसफर किया आर स्ट्रेन के अंदर और इसके मिक्सचर को माउस के अंदर इंजेक्ट किया और इन्होंने पाया कि यहाँ पर मौत हो जाती है चूहे की। इससे ये बात इन्होंने प्रूव कर दी कि जो डीएनए है वो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट है और एस स्ट्रेन से डीएनए ही जाता है आर स्ट्रेन के अंदर और आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर देता है एक वायरुलेंट स्ट्रेन या एस स्ट्रेन में। तो ये था एवरी के एक्सपेरिमेंट का पहला पार्ट। अब हम एवरी के एक्सपेरिमेंट के दूसरे पार्ट को समझते हैं। एवरी के एक्सपेरिमेंट के दूसरे पार्ट को समझने से पहले एक बार आप ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को याद कीजिए। ग्रिफिथ ने सबसे पहले माउस के अंदर एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया था जिसे माउथ की डेथ हो गई थी। उसके बाद में उन्होंने माउस के अंदर आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया था जिसे माउथ की डेथ नहीं हुई थी। फिर उन्होंने तीसरे स्टेप में हीट किल्ड एस स्ट्रेन को और आर स्ट्रेन को मिक्स करके माउस के अंदर इंजेक्ट किया था जिससे भी माउस की डेथ हो गई थी। और उससे यहाँ पर यह समझ में आया था कि जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन है उससे कोई चीज गई है आर स्ट्रेन के अंदर जिसने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अब इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया एवरी ने हीट किल्ड एस स्ट्रेन को लिया और आर स्ट्रेन में मिलाया। लेकिन हीट किल्ड एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन में मिलाने से पहले उन्होंने यहाँ पर थोड़ी सी चालबाजी की, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा दिया। और दिमाग लगाने के लिए उन्होंने तीन चीज़ें की। अब वो क्या क्या चीज़ें की आप ये समझिए, ये आप समझ गए हैं कि जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है जो तीसरा उसका स्टेप है वही हम यहाँ पर दोहराने जा रहे हैं। यानी कि हम एक स्मूथ वायरुलेंट स्ट्रेन ले रहे हैं हीट किल्ड जो है, और इसके साथ में हम एक आर स्ट्रेन ले रहे हैं, यानी कि आर स्ट्रेन में हम हीट किल्ड एस स्ट्रेन को मिला रहे हैं। अब ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट की नज़र से अगर हम देखें तो ये जो मिक्सचर है जो यहाँ पर आपके सामने ये इतने वाला स्टेप बना हुआ है, इससे होगा ये कि इसको मिक्सचर को इंजेक्ट करते ही जो माउस है उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन एवरी ने यहाँ पर क्या किया, एवरी ने इस स्टेप को करने से पहले यानी हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को आर स्ट्रेन में मिक्स करने से पहले उन्होंने इसको प्रोटीएज एंजाइम से ट्रीट किया। प्रोटीएज जो एंजाइम होता है ये प्रोटीन्स को किल कर देता है, यानी प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन कर देता है, प्रोटीन्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और प्रोटीन्स को डिसइंटीग्रेट करता है। तो सबसे पहले उन्होंने प्रोटीएज एंजाइम को मिक्स किया जिसने प्रोटीन्स को डिसइंटीग्रेट कर दिया। अब प्रोटीन के डिसइंटीग्रेट होने से कोई फायदा हुआ नहीं क्योंकि प्रोटीन जो है वो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट नहीं होता है। अब जब ये मिक्सचर इन्होंने ट्रांसफर किया यानी एक माउस के अंदर इंजेक्ट किया तो इन्होंने पाया कि इससे डेथ होती है क्योंकि प्रोटीएज एंजाइम ने सिर्फ प्रोटीन्स को ट्रीट किया था और डीएनए उसका अभी भी बचा हुआ था, जिंदा हालत में था। अब डीएनए ट्रांसफर हो गया एस स्ट्रेन का आर स्ट्रेन में, इसके अंदर प्रोटीएज उन्होंने बीच में ट्रीटमेंट के लिए लगाया जिससे प्रोटीन्स डिसइंटीग्रेट हुए, डीएनए का कुछ भी नहीं बिगड़ा, डीएनए का बाल बांका नहीं हुआ और इस वजह से माउस की डेथ हो गई। ये पहला पार्ट था उनके एक्सपेरिमेंट का। अब हम दूसरा पार्ट समझते हैं। दूसरे पार्ट में भी उन्होंने सेम वही एक्सपेरिमेंट किया, एक हीट किल्ड एस स्ट्रेन को रफ स्ट्रेन के साथ मिक्स किया लेकिन मिक्स करने से पहले उसको आरएनएज से ट्रीट कर दिया। आरएनएज जो होता है एक एंजाइम होता है और ये आरएनए को डिसइंटीग्रेट कर देता है। अब जो एस स्ट्रेन था बैक्टीरिया का इसके अंदर जो आरएनए था वो डिसइंटीग्रेट हो गया, लेकिन आरएनए भी ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट नहीं होता है इसलिए आरएनए के डिसइंटीग्रेट होने से कोई फायदा नहीं हुआ। जब इस मिक्सचर को माउस में इंजेक्ट किया गया तो फिर से कहानी वही रिपीट हुई, माउस की हो गई वाजीवा, यानी कि माउस की डेथ हो गई। अब फिर से इन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया लेकिन यहाँ पर इन्होंने एंजाइम चेंज किया। अब इन्होंने क्या किया, एक हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन लिया और यहाँ पर एक आर स्ट्रेन लिया, आर स्ट्रेन को हीट किल्ड से मिक्स किया लेकिन मिक्स करने से पहले इन्होंने यहाँ पर डीएनए से ट्रीट कर दिया स्मूथ स्ट्रेन को। जैसे ही उन्होंने स्मूथ स्ट्रेन को डीएनए से ट्रीट किया, डीएनए जो एंजाइम होता है वो डीएनए को डिसइंटीग्रेट कर देता है और डीएनए के डिसइंटीग्रेट होते ही जो एस स्ट्रेन है इसका डीएनए हो गया खत्म।
अब डीएनए ही नहीं रहेगा तो इसके अंदर कोई ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट ही नहीं रहेगा और इसके अंदर जो ट्रांसफॉर्म होता वो नहीं होगा, यानी कि अब डीएनए स्मूथ स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में मूव नहीं किया। अब ये मूव नहीं किया तो जब इस मिक्सचर को माउस के अंदर इंजेक्ट किया गया तो माउस सर्वाइव कर गई। तो ये एवरिक एक्सपेरिमेंट का दूसरा पार्ट था। इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से इन्होंने ये हर तरह से प्रूव कर दिया कि डीएनए ही ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट होता है। ये जो सेकंड पार्ट है इसके एक्सपेरिमेंट का, इसमें इन्होंने एंजाइम्स का यूज किया है। पहले वाला जो पार्ट था इनके एक्सपेरिमेंट का, इसमें इन्होंने बायोमोलिक्यूल्स को सेपरेट कर लिया था। तो ये दोनों के दोनों एक्सपेरिमेंट, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट और एवरी का एक्सपेरिमेंट, आप समझ गए होंगे। इन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर हम ये समझ पाए हैं कि जो डीएनए होता है वो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट होता है और एक बैक्टीरिया की सेल से दूसरे बैक्टीरिया की सेल के अंदर डीएनए मूव करता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में हमने आज के वीडियो लेक्चर में ये समझा कि ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसके अंदर डीएनए का अपटेक हो जाता है और एक बैक्टीरिया की सेल बाहर के सराउंडिंग मीडियम से डीएनए को अपटेक कर लेती है। अब डीएनए को अपटेक करने के बाद में उसके जो व्यवहार है उसमें पूरी तरह से बदलाव आ जाता है और एक बैक्टीरिया की सेल जो नॉन वायरुलेंट या ए वायरुलेंट है वो वायरुलेंट बैक्टीरिया में बदल जाती है, पूरी तरह से वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो डीएनए के इस अपटेक मेथड को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से बैक्टीरिया जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एक प्रोसेस को कंप्लीट करता है, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया है ये अपनी जो प्रोजेनी है उसको बढ़ाएगा, ये रेप्लिकेट करेगा, बाइनरी फिशन करेगा और अपनी नेक्स्ट जनरेशन्स में भी वायरुलेंस का जो फीचर इसके अंदर आ गया है उसको ट्रांसफर करेगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने ट्रांसफॉर्मेशन को अच्छे से समझ लिया है, ट्रांसफॉर्मेशन के दोनों एक्सपेरिमेंट भी हमने समझ लिए हैं। अगर आज के वीडियो लेक्चर में आपको कोई डाउट है, कोई चीज़ आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख करके जरूर पूछिएगा। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसडक्शन के बारे में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।